राम की पैड़ी के निकट एडीए द्वारा एक बहुत वर्ष पूर्व एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, जो इस समय जर्जर अवस्था में है। उसी के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिलाते हुए वहाँ पे 85 दुकान के आसपास दुकानों को निर्मित किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ फूड कोर्ट्स के लिए आवंटन किया जाएगा और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए दुकानों का आवंटन होगा। और उसके नीचे जो ओपन स्पेस है उसको पार्किंग लॉट के रूप में विकसित करेंगे, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु और जो टूरिस्ट दूर से वहाँ पे आते हैं राम की पैड़ी और सरयू नदी में दर्शन करने आते हैं, उनको वहाँ पर पार्किंग की सुविधा प्राप्त हो सके। सर, सजावट भी की जाएगी क्या? दीपोत्सव को पहले तैयार हो जाएगा? हाँ, दीपोत्सव को पहले तैयार हो जाएगा। दीपोत्सव में भी जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं उसको भी लाभ मिलेगा इस इलाके के विकसित होने से। विकास के साथ समय का मांग रहता है, लेकिन इसका तुलना जुहू चौपाटी से करना या विदेश के किसी कैलिफोर्निया से करना उचित नहीं है। ये तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो राम भक्त आ रहे हैं उनसे शुद्ध रूप से तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव नगरी है, इसलिए लहसुन प्याज इत्यादि का भी वहाँ वर्जित रहे और उसकी शुद्धता पवित्रता ड्रेस कोड ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए और उसकी जो बनावट है डिजाइन है वो भी लगे कि हाँ किसी धार्मिक क्षेत्र में मैं बैठा हूँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर वो विकसित करना चाहिए।